मैं पलाना गांव का रहने वाला हूँ। मैं जब पौने 3 साल का था उस वक्त मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। मेरी माँ ने ही पालन पोषण किया मेरा। 11/4/55 से 30/6/86 तक मैंने रेल की नौकरी की। उसके बाद में एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया। मतलब अकारण ही मृत्यु से भय लगने लग गया। तो एक मेरे मित्र थे श्रीराम दुबे, डॉक्टर ने कहा कोई रोग नहीं है। दुबे जी ने कहा कि आपको मार्केस की दशा है, मार्केस की दशा। मैंने पूछा क्या होती है तो बताया। तो मैंने कहा दुबे जी ये तो सभी को आएगी, बचा जा सकता है। मैंने कैसे? कहने लगी जी महामृत्युंजय का जप करो। वो होना संभव नहीं था, मैंने इनकार कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि गायत्री मंत्र से भी ये संभव है। तो अक्टूबर 1983 की सर्दी की नवरात्रि आती है, हर मंत्र के पीछे आहुति देते हुए तो मृत्यु भय खत्म हो गई। अक्टूबर 1968 में मतलब गायत्री मंत्र शुरू किया और 1 जनवरी 1969 को सिद्धि होगी उसकी। मैं पहले नहीं जानता था सिद्धि क्या है। ये मेरी सारी बॉडी जो है एक डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगी। ना किडनी दिखे, ना लीवर दिखे, ना ब्लड सर्कुलेशन, इस दूध या प्रकाश में सारी ये ट्रांसफॉर्म होगी। मतलब बॉडी नाम, मतलब स्थूल बॉडी नाम की कोई चीज नहीं। ध्यान में मैं क्या देखता हूँ कि इसमें सारा प्रकाश ही प्रकाश। प्रकाश पर ध्यान दिया तो नाभि से गायत्री मंत्र ऑटोमेटिकली जपना शुरू हो गया। कोई एंड नहीं, जैसे साइकिल का चैन है कोई एंड नहीं, इसलिए गायत्री मंत्र अपने आप जपने। मैंने कंठ से जपा और नाभि से जपना शुरू हो गया। फिर 84 में कृष्ण की सिद्धि हो गई। मेरे गुरु गंगानाथ जी जामसर में विराजते थे। 31 दिसंबर 1983 को वो ब्रह्मलीन हो गए। जाने से पहले आदेश दे दिया कि इस काम को करो तो ये काम तेरा है। तो 7 साल पहले प्री मैच्योर रिटायरमेंट लिया और इस काम में लग गया। फिर स्वामी विवेकानंद बीच में आ गए। उन्होंने कहा गुरु के बिना नहीं ये संभव, तो जामसर जाके गुरु बना लिया। उन्होंने सिर पे आशीर्वाद दे दिया, आदर रख दिया। वो एक ऐसे करंट की तरह यहाँ से लेके पास होगी एडी तक। मैं नहीं समझा उस वक्त को। फिर वो जाने से पहले आदेश करके कि बेटा ये काम तेरे को करना है। तब से 7 साल पहले प्रीमैच्योर रिटायरमेंट लिया और तब से ये काम कर। मैं जिस योग की बात कर रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ, उसको सिद्धि योग कहते हैं, सिद्धि योग। मैं राधा और कृष्ण के मंत्र की दीक्षा देता हूँ, उससे साधक की कुंडलिनी जाग जाती है। वो जागृत कुंडलिनी साधक का शरीर, प्राण, मन और बुद्धि अपने कंट्रोल में कर लेती है और सारी योगी क्रियाएं स्वयं करवाती है। इसे महायोग भी कहते हैं, सिद्धि योग भी कहते हैं। इसमें सारे योग सम्मिलित है, समझे। अब कुंडलिनी जागृत होकर योग करवाती है। 2 तरीके है इसमें, नाम जप और ध्यान। शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, ये सारे शुरुआती धर्म मानते। ये शब्द ब्रह्म से ब्रह्म की प्राप्ति का सिद्धांत है। 2 तरीके है, एक नाम जप, दूसरा ध्यान। रैदास जी एक संत हुए, उनको गुरु ने कहा कि रैदास ये नाम जपो। उन्होंने जपना शुरू कर दिया, अब वो बंद ही नहीं हुए। तब एक जगह उन्होंने भजन में गाया है, अब कैसे छूटे नाम रट लागे, अब कैसे छूटे नाम रट लागे। दूसरा ध्यान करना। ध्यान में गुरु को देखते हैं यहाँ इस आज्ञा चक्र पे। शिव का 3रा नेत्र जो होता है यहाँ देखते हैं। तो मैं मेरे गुरु को यहाँ देखता रहा, अब मेरे शिष्य मुझे यहाँ देखते हैं। और नाम जब चलता है वो कुंडलिनी सारी योगी क्रियाएं स्वयं करवाती है। न तो साधक रोक सकता, न कर सकता।
तो मैं 3 दफे अमेरिका गया, 1 दफा इजराइल गया, वहाँ भी ये फिजिकल एक्सरसाइज करवाई जा रही है। भारतीय योग दर्शन में जिस योग का वर्णन है उसका मूल उद्देश्य मोक्ष है, मगर मोक्ष तक पहुँचने के लिए सारी बीमारियाँ खत्म होना जरूरी है। जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो ऊपर उठने शुरू कर जाती है। इसमें 5 प्रकार के वायु होते हैं, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। प्राणवायु जैसे स्वामी जी एक्सरसाइज करवाते हैं, अपान वायु नाभि से नीचे नीचे के डिस्चार्जेस को बाहर फेंकता है। कुंडलिनी जो है बेसमेंट में सेक्रम में 3.5 आंटे लगा करके दुम को अपने मुंह में दबा करके सोई रहती है, डोरमेंट पोजिशन में रहती है। प्रॉपर गुरु अगर है, मतलब गुरुपद बाजार में नहीं मिलता है। मैं नाथ जी की शरण में नहीं जाता तो मैं भी आप जैसा एक साधारण व्यक्ति था, वैसे तो व्यक्ति आज भी हूँ, ग्रस्त जीवन निभा रहा हूँ, मगर गुरुदेव की कृपा से एक कुंडलिनी जागृत हो जाए जो ऊपर उठना शुरू कर देती है, तो पहला बंद लगता है मूलाधार में। अब आने वायु नीचे नहीं जाएगा, ऊपर उठना शुरू कर देगा। दूसरा बंद लग जाएगा नाभि में, नेवल पावर। आप चाहे कितने मोटे हो, नाभि जो है रीढ़ के डिस्क चिपक जाएगी, उसको कहते हैं उड़ियान बंद। फिर ऊपर उठते उठते यहाँ कंठ से ऊपर उठ जाएगी तो तीसरा बंद लग जाएगा जालंधर बंद। बाकी जितना पोषण हो गया, छोटा सा रह गया, उसमें हर तरह की योगिक मूवमेंट संभव नहीं तो प्राणायाम होता है। पूर्ण कुंभक होने के बाद में आज्ञा चक्र से कुंडलिनी ऊपर चली जाती है। हमारे दर्शन में का सिद्धांत है, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में। राधा और कृष्ण का मंत्र देता हूँ, उससे ये सारे सिस्टम रेगुलराइज हो जाते हैं। एक खेचरी मुद्रा और लगती है, खेचरी मुद्रा। गुजरात में मेरे प्रोग्राम हुए तो वो गुजरातियों को बड़ा आश्चर्य लगा। खेचरी क्या होता है, जीभ पीछे खींचती है और सख्त होकर ऊपर तालों में धस जाती है, ऊपर से एक रस टपकता है। हमारे योगियों ने उसको अमृत कहा है। गुरुनाथ जी महाराज ने कहा है, गगन मंडल में ऊंधा कुआ ता अमृत का पा वासा, सुगरा हुए भर पीवे निगरा जाए प्यासा। एक और इसमें बड़ी अजीब तरह का मूवमेंट होता है, आदमी यूं प्लेन में शीर्षासन कर देता है, घंटों खड़ा रहता है। साधक ध्यान की स्थिति में अनलिमिटेड पास्ट देखता है, सुनता है। आपकी साइंस कहती है ना, जो शब्द बोला गया है वो नष्ट नहीं होता, ब्रह्मांड में रहता है। हमारा दर्शन कहता है शब्द है तो बोलने वाला रहा होगा, वो तो रील पहले फिल्माई जा चुकी है, वो तो रिप्ले दिख रहा है। हमारा योग दर्शन कहता है अनलिमिटेड फ्यूचर को देखा सुना जा सकता है। जब फ्यूचर दिख जाएगा तो फिर गड्ढा भी दिख जाएगा, पत्थर भी दिख जाएगा, मतलब एक क्रियात्मक योग है। इसमें बहस तर्क का मामला नहीं है, खंडन वंडन संभव नहीं है। मैं आपको कुछ दूं तो आप बहस जिद करो, मैं तो कुछ नहीं दूंगा। आप बाई बर्थ पूर्ण हो, मेरे गुरु ने मेरे शरीर रूपी ग्रंथ को पढ़ना सिखाया और मैं आपको इस शरीर रूपी ग्रंथ को पढ़ना सिखाऊंगा। इसका आखिरी अक्षर पढ़ लोगे उसी का नाम मोक्ष है, सालवेशन। योग के नाम से बिक रहा है, भारत में बिक रहा है, मैं अमेरिका गया वहां भी बिक रहा है, हाँ इसराइल में मेरे बहुत ज्यादा शिष्य। मैंने एक संस्था बनाई है अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र। मैं एक डिसेंडेड प्राणी हूँ। एक अमेरिकन ने पूछा था मेरे को, क्या आपके गुरुजी असेंडेड है? मैंने कहा मैं डिसेंडेड हूँ। मैं बचपन में छोटा था जब मुझे एक स्वप्न आता था, उस समय मैं अनलिमिटेड ऊंचाई से नीचे गिरता था। छोटा बच्चे की तरह नीचे आता था, जब सोचता था ये हड्डी पसली टूट जाएगी, मगर नीचे आने के बाद में जैसे एक फूल पे लेटा दिया। ऐसा है जी, वो राधा और कृष्ण का मंत्र है।
वो मंत्र भी जो है आदमी जपता है राउंड द क्लॉक, तो फिर मूवमेंट शुरू हो जाता है। वो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग, ये राउंड द क्लॉक जपना होता है। मेरे छोटे लड़के ने जो साइंस मैथमेटिक्स का स्टूडेंट था, अब तो पढ़ाई छोड़ दी, जब मेरे से बड़ी उम्र के लोग पैरों के हाथ लगाने लगते तो उसको बड़ा आश्चर्य होता। मेरे कहने लगे या क्या कर रहे हो बाबू जी? मैंने कहा क्यों? कहने लगे गौड़ साहब आपसे बड़ी उम्र के हैं, पैरों का हाथ लगाते। मैंने कहा ये मेरे हाथ नहीं लगाते, गुरुत्वाकर्षण के हाथ लगाते। गुरु क्या है? ये शरीर गुरु नहीं है, इसमें एक गुरुत्वाकर्षण पैदा हो गया। मेरी एक किताब है रिलीजियस रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, उसके अंदर स्पष्ट किया है शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। हमारे मतलब वेदों में तो ओम तत्सत का है, उसको यहूदी शब्द से मानते हैं। ईश्वरवादी धर्म सारे सब संसार की उत्पत्ति मानते हैं। मार्केश की दशा ने मेरे को बदल दिया, जबकि वो एक आर्टिफिशियल भय था। मुझसे ये करवाना था, मैंने राज्य कुछ ये काम नहीं किया। आज जो कर रहा हूँ राज्य कुछ नहीं किया, मृत्यु पैसे किया। तो परिवर्तन आया गायत्री मंत्र से, तो 84 में फिर गुरुदेव के शरण में गया, वहाँ कृष्ण की सिद्धि हो गई। महर्षि अरविंद ने कहा है सिद्धि, महर्षि अरविंद ने कहा है इस देश का उद्धार दो मंत्र करेंगे। पहला 1906 में प्रकट हो गया वंदे मातरम, दूसरे मंत्र को महर्षि अरविंद ने संजीवनी मंत्र कहा है। जैसे लक्ष्मण के तीर लगा वो बेहोश हो गया, हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए, वो दिए तो उसमें आ गए, मर जाते तो नहीं होता। इसलिए मेरे शिष्यों को कहता हूँ कि मैं जो दे रहा हूँ वो संजीवनी मंत्र है, जपना शुरू कर दो। चाहे डॉक्टर ने कह दिया नहीं बचोगे, आज तो कोई नहीं मरा। एक रिलैक्सेशन ऐसा हुआ, मेरे एक बमरची के नाम के शिष्य हैं, लाड़गे स्टेशन में कैबिन में मैं उनके पास बैठा हुआ था। तो उस वक्त एक आरपीएफ का मतलब सिपाही था, हम तीन थे, और मैं उनको ये दर्शन बता रहा था, तो इतना गहरा आनंद आया। वास्तव में अमृत से भी वो स्वाद नहीं आता। आरपीएफ वाले सैनिक ने तो यहाँ तक कह दिया गुरु जी इस अमृत को बरसने दो, ऐसा आनंद नहीं आया। मेरा तो काम यही है, मैं तो बस जीवन भर यही काम करूंगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। मेरे जीवन का उद्देश्य है इस दर्शन को विश्व दर्शन बनाना। कुंडलिनी जिसको आप राधा कह दो, सीता कह दो, अंबा कह दो, पार्वती कह दो, हम योगियों ने उसका नाम कुंडलिनी रख दिया। शक्ति वो है, समझे, ईश्वर की पराशक्ति है। वो नीचे उतरती उतरती लोगों की रचना की और बेसमेंट में आके सुसुप्ति में चली गई। उसको वापस ऊपर उठते हुए सहस्रार में पहुंचने का नाम ही मोक्ष है, सालवेशन है। सभी प्रकार के नशे इसे छूट जाते हैं, हीरोइन तक छूटी है। इसका एक दर्शन का आधार है, नानक देव जी ने कहा है भांग धतूरा नानका उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ये बात कबीरदास कहते हैं, नाम अमल उतरे न भाई, और अमल छिन छिन चढ़ उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवाया। मानवता में सतोगुण का उत्थान और तमोगुण का पतन करने अकेला ही निकल पड़ा हूं, मुझ पर किसी जाति विशेष देश विशेष या धर्म विशेष का एकाधिकार नहीं। आदमी को सिद्धि के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए, समझे समझे। मैं अगर सिद्धि के चक्कर में फंस जाता तो वहीं रह जाता। केवल भारतीय योग दर्शन है जो मनुष्य के पूर्ण विकास की बात बताता है और क्रियात्मक योग करवाता है। मैं जो हूं वो अगर आप बनना चाहो तो नाम जपो। एक टाइम ऐसा आएगा कि मानव मात्र जो है डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्मर से। महर्षि अरविंद ने कहा है मैन इज ए ट्रांजिशनल बीइंग, ही इज नॉट फाइनल,
बट ही विल बी। एक याग्वल ऋषि हुए हमारे भारत में, वो आनंदमय कोष तक तो पहुंच गए, सत्य और चित्त तक नहीं पहुंचे। अरविंद ने कहा है कि एक सिद्धि तो हुई है मगर दोनों एक ही जन्म में नहीं हुई। तो पहले गायत्री की निर्गुण की हो गई, फिर 84 में कृष्ण की हो गई। दोनों सिद्धियां होने का मतलब उन्होंने कहा कि अगर वो दोनों सिद्धियां हो जाए तो वो मतलब टेरिस्टोरियल इमोर्टलिटी, पार्थिव अमृत अमर हो जाएगा, इस दुनिया में रहते हुए अमर। ऋषि अरविंद ने कहा, जिसे अंग्रेजी में कहा टेरिस्टोरियल इमोर्टिलिटी, पार्थिव अमृत। मुझे तो कोई नहीं अंदर लगाया भाई, मैं तो वैसा के वैसा ही हूँ, जो परिवर्तन मुझ में आ गया। अब ऐसी दोनों सिद्धियां होने के लिए एक और बात बताओ, मेरी तस्वीर से ये हो सकता है। देखिए मेरे पास जो एड्स रोगी आए, 25 से लेकर 40 साल की उम्र के आए, यही उम्र देश को में काम करने की होती है, और इसी उम्र के लोग रोगी हो गए, और इस मंत्र जप से जो युवा वर्ग है वो रोग मुक्त हो जाएगा, तो देश का उत्थान। एक बात और बताओ, मैंने कथा बांधने वाले के पास जाते हैं 50 साल से बड़ी उम्र के लोग, एक आध लड़का जवान जाता है और कथा बांधते सुन के आ जाते हैं। मैं कथा नहीं बांधता, मैंने युवाओं को एक क्रियात्मक रास्ता देता हूँ, जिससे वो विज्ञान में कोष को चेतन करके साइंस के माध्यम से अपना देश का और मानव जाति का उत्थान कर रहे। अब मंत्र बता दूं, उसको जपना है, क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग, गाय की ध्वनि निकले के पीछे, क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अब जितने भी ले जा रहे हो ना, आप मेरी आवाज रखो उसके साथ, समझे, आवाज के बिना इफेक्ट नहीं होगा। तो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग, कह आधा लय में मिलावा, बड़ी की मात्रा ऊपर बिंदी, ए के ऊपर आप बिंदी लगाते हो तो अंग हो जाता ना अंग। अच्छा अब ध्यान करो भाई, 15 मिनट यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो, कोई प्रकार की यौगिक क्रियाएं हो तो घबराएगा नहीं, 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए, क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग। शुरू कर दो। क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग।